तो हमारे साथ हैं जनाब ज़ैनुल आबदीन मंसूरी साहब, और उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन, ये इमेज बन रही है कि मुस्लिम्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ग्रुप नहीं है बल्कि वो एक कर्ज है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो ये है कि मीडिया और राजनीति दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं मुल्क में जी। इन पर कभी भरोसा ना करें, इसलिए कि हर आदमी जानता है, खैर हम मुसलमान नहीं कहते, ये पूरा मुल्क का जो भी थोड़ा बुद्धिजीवी है या सब विवेकशील आदमी है वह सब जानता है कि इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने हित हैं, अपने अपने मफादात हैं, उसके तहत ये काम करते हैं। उसी हित में, उसी मफाद में ये भी शामिल है कि इस्लाम का करेक्टर एसोसिनेशन किया जाए और मुसलमानों को डिबेसमेंट उनका हो। तो लिहाजा अगर मुसलमानों को के बारे में कोई राय कायम करनी है, ज़रूर राय कायम करें, नेगेटिव राय कायम करना हो नेगेटिव राय कायम करें, पॉजिटिव राय कायम करना हो पॉजिटिव राय कायम करें मुसलमानों के बारे में, लेकिन मीडिया और राजनीति के ज़रिए नहीं। आप मुसलमानों को देखिए और उनके मजहब को देखिए, उसका स्टडी कीजिए, मुताला कीजिए, पढ़िए, बहुत सारे वो है आजकल माध्यम ऐसे हैं कि आप पढ़ सकते हैं हर जगह अफेबिल इस्लाम के बारे में। तो अब अगर आप अपना रुख बदल लें कि मीडिया और राजनीति, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के बजाय आप जो सिविल सोसाइटी है और जो ख़ुद मुस्लिम कौम है, मुस्लिम उम्मत है, ख़ुद उसके ज़रिए पता लगाएं कि क्या है ये, आखिर ये बेनिफिशियल नहीं, ये बोझ है, तो ऐसा है नहीं, ये तो एक इमेज बनाया जा रहा है। अब हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री तो बहुत तवील है, 1000 साल पुरानी, और हम तो 50-60 साल पहले की बात भी नहीं करेंगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। ख़ुद इस वक्त जो है मुसलमान हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से हिंदुस्तान में हर उस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी तरह से जिसे दूसरी कौमें कर रही हैं, बोझ नहीं है ये। ये तो मैंने बताया कि ये तो एक इंप्रेशन बना दिया गया, प्रोपेगेंडा मशीनरी 24 आवर्स बल्कि ओवर टाइम काम करती है, तो उससे ये बोझ हैं, बोझ नहीं है, फुल कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का और रहा है हमेशा भी। दूसरा पहलू, दूसरी बात यह है कि जैसे मुल्क में अनगिनत जिसे हम कहते हैं इनन्यूमरेबल, आप जो है इसको काउंट नहीं कर सकते, कितने मसाइल हैं, कितने इश्यूज हैं, मोटे मोटे तौर पर 4-5 को ले लीजिए आप, जैसे छोटी 6 महीने की बच्ची से लेकर और बड़ी औरतों से बूढ़ी औरतों तक उनके साथ सेक्सुअल असाल्ट है, ये कोई आदमी कहेगा कि नहीं है? जितनी कोशिश की जा रही है उतना बढ़ता जा रहा है, रोकने की जितनी कोशिश की जा रही है उतना बढ़ता जा रहा है। हम मुसलमानों के पास उसका हल है और उसका सबूत भी है, हमारे मुस्लिम समाज में इतनी खराबियों के बावजूद भी बहुत सुकून है, बहुत सुकून है, हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें, हमारी लड़कियाँ बहुत महफूज हैं। हालांकि समाज एक ही है, बहुत सारी खराबियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत कुछ है इस मसले को हल करने के लिए। ये जो अभी तो ये दब गया है ये, वरना हकीकत में ये चल रही है बात, अब तो बड़े बड़े इशूज़ आ गए हैं, बड़ा उठा दिया है लोगों ने, अबार्शन, फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, नाजायज़ हमल को अबॉर्ट कर देना, गिरा देना, गर्भपात करा देना, उसके बाद भी अगर किसी वजह से अगर वो ना हुआ तो बाद में उसको कत्ल कर देना, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत हो रहा है बच्चियों को। फीमेल फीटिसाइड और कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा इशू था, अब ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, पूरा मुल्क परेशान है उससे, पूरे समाजशास्त्री परेशान है उससे, कैसे इसको रोका जाए, इतने कानून बने लेकिन सब चल रहा है, इसका मतलब हल नहीं है आपके पास। हम ये कहेंगे कि हमारे पास है हल, इस्लाम के पास हल है, इसका सबूत भी देख लीजिए कि हमारे मुस्लिम समाज में इसकी तमाम तर कमजोरियों और खराबियों खामियों के बावजूद फीमेल फीटिसाइड बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल जी। क्या वजह है? कोई वजह होनी चाहिए भाई, हम भी तो इसी समाज में रहते हैं, हम भी तो यहीं के स्कूलों में पढ़ते हैं, हम भी तो इसी सिस्टम में रहते हैं, इसकी वजह क्या है, इतना फ़र्क क्यों है? इसका फ़र्क यह है कि हमारा रिलेशन जो है वो गॉड से, खुदा से, ईश्वर से, हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है, हमारे पास जो कवानीन है, जो गाइडेंस है कुरान सुन्नत में, उस पर टूटे फूटे कुछ भी हैं लेकिन अमल हम करते हैं, कुछ ना कुछ हद तक हमारे यहाँ अमल होता है, उसकी वजह से ये फ़र्क है। शराब की वजह से कितने क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो सेक्सुअल असाल्ट होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो
معلوم ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شراب پی کر یہ سب ہوتا ہے, الکحل شراب پی کر. اسلام میں شراب تقریباً ہمارے سماج میں دیکھ لیجیے, اب 10,000 کو آپ کراس سیکشن میں دیکھ لیجیے, 10,000 میں شاید 2 آدمی ملیں گے شرابی, 3 آدمی 4 آدمی ہارڈلی, وہ بھی یہاں کی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے. نہیں اسلام پر اگر پوری طرح سے یہاں پہ ایکٹیو ہوتا تو نہیں ہوتے. تو یہ شراب ہے, یہ کرپشن ہے, یہ رشوت ہے, یہ گھوٹالے ہیں, یہ اسکامس ہیں, اور یہ کڈنیپنگ ہے, یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہے, اور یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے, کتنے مسائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اور پورے اعتماد سے کہتے ہیں, اور ہم کسی بھی شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں, پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں, اور یہ خالی اپدیش کے طور پر نہیں بلکہ دعوے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا حل ہے, ہم اس کو پیش کرتے ہیں. آپ میڈیا کو سنتے ہیں, پولیٹیشین کو سنتے ہیں, آپ ہماری بھی سنیے, ہم کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے, ہمارے سماج کو دیکھیے اندر آ کر. ہم اپنی عورتوں کی شیل کو اور ان کی عصمت کو, ان کی عزت کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں آپ دیکھیے. آپ کی بھی عورتیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ بھی ان کی عزت کو ہم لوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہمارا دل جلتا ہے, کلیجہ جلتا ہے. ہمارے پاس ہے اس کا حل. تو کوئی ایسا ایشو نہیں اس وقت ہندوستان میں, کرپشن سے لے کر جیسے میں نے 4-5 بڑے بڑے ایشوز کے بارے میں بتائے, اس کا ہمارے پاس حل نہ ہو. ہم حل یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا قریب آئیے, ہم کو قریب لائیے, ہم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے, ہمارے اندر ڈبیٹ ہو, ہمارے اندر ملاقاتیں ہوں, ہمارے اندر جو ہے میٹنگس ہوں, ہمارے اندر انٹر فیس ڈائلاگس ہوں, سارے سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ وہ جو ہمیں جو 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 ہائی جیک کر رہے ہیں ہم کو مینٹلی, میڈیا اور پولیٹکس کی دنیا کے لوگ, ان سے ہم نکلیں اور حقیقت کی زمین پہ آئیں, تب ہم کو حقیقت نظر آئے گی. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان یہاں کے لیے بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ بہت کچھ دے رہے ہیں اور بہت کچھ دے سکتے ہیں. اگر آپ لیں گے ہی نہیں تو پھر ہم نہیں دے سکتے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے.